संगठन होता है तो तैयारी स्वाभाविक रूप से चुनाव के बारे में हर पार्टी को यह हक है कि पूरे बिहार में तैयारी करे। तो सहयोग भी तभी कोई पार्टी उस जगह पर कर पाएगी जहां एलआई पार्टी का उम्मीदवार है, जब वहां ताकत रहेगी, जब संगठन रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा काफी अहम है भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से। और अगर बात की जाए तो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी स्पष्ट किया है और अब संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी स्पष्ट किया कि बिहार में सभी पार्टी को 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का अधिकार है, सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने साथ ही साथ आरसीपी सिंह को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बिहार में मौजूदगी और उपेंद्र कुशवाहा का बयान ये काफ़ी अहम हो जाता है, इसीलिए कि कुशवाहा के बयान को लेकर हमेशा चर्चा होती है। उपेंद्र कुशवाहा बार बार अपने बयानों की वजह से सुर्खियां बटोरते हैं और भारतीय जनता पार्टी को उस पर जवाब देना पड़ता है। एक बार फिर से कुशवाहा के इन बयानों को सुनिए। ब्लॉक में हमारा संगठन बाकी पार्टियों का संगठन होता है कि नहीं होता है? चुनाव तो हम लड़ते हैं सिलेक्टेड सीटों पर, या बीजेपी भी अलायंस में जो भी पार्टी होती है सिलेक्टेड सीटों पर चुनाव लड़ती है, लेकिन संगठन तो हमारा होता है। तो संगठन होता है तो तैयारी स्वाभाविक रूप से चुनाव के बारे में हर पार्टी को यह हक है कि पूरे बिहार में तैयारी करे। तो हम लोग भी तैयारी करते हैं, कोई 243 पर करे, कोई 200 पर करे, जितनी इच्छा हो उतनी जगह करे, इसमें तो कोई विरोध जैसी बात ही नहीं है। सर, ऐसा तो नहीं कि अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा आपको केवल 43 सीटों का मन बना रही है, बाकी 200 पे बीजेपी लड़ेगी? अरे भैया, आप लोग अर्थ का अनर्थ लगाते हैं, अर्थ का अनर्थ है यह। तैयारी सब पार्टी सब जगह करती है। अलायंस के समय जिस पार्टी का उम्मीदवार हो दूसरी पार्टी उसका सहयोग करती है, तो सहयोग भी तभी कोई पार्टी उस जगह पर कर पाएगी जहां एलआई पार्टी का उम्मीदवार है, जब वहां ताकत रहेगी, जब संगठन रहेगा। तो उस दृष्टि से सब जगह सभी पार्टी के लोग तैयारी करते हैं। हाँ, तो आए हैं, पार्टी का उनकी पार्टी का कार्यक्रम है, अलग अलग पार्टी का कार्यक्रम जहाँ भी होता है तो लोग जाते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी का कार्यक्रम होता है तो हम भी वहाँ जाते हैं, बाकी जगह दूसरे राज्यों में जहाँ हमारी पार्टी का कार्यक्रम होता है वहाँ हम लोग भी जाते हैं। तो इसमें क्या है, कहा जा रहा है कि अब बीजेपी जो है बिहार में नेताओं से कोई बातचीत होगी क्या बिहार में? नहीं, इसमें बातचीत का कोई अभी तो मतलब है नहीं, वो अपनी पार्टी के कार्यक्रम से आए हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी अब बिहार में किंग मेकर का भूमिका निभाना चाहते हैं। अरे भैया, क्या निभाना चाहती है उनसे पूछ लीजिए, लेकिन इस तरह का कोई कार्यक्रम स्वाभाविक कार्यक्रम बिल्कुल ऑल इज वेल है, इसमें क्या दिक्कत है? उपेंद्र कुशवाहा जी, ये आरसीपी सिंह जैसा वो मुख्यमंत्री से लेकर ये हो रहे थे सर, इस पर तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी बात कह दी है। अब कोई व्यक्ति पार्टी से बाहर जाकर कुछ करना चाहे तो उनकी मर्जी, देखिए जब कुछ करना होगा तो आप लोगों को बुला लेंगे। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि आज जो है अमित शाह वगैरह सब हैं बीजेपी के शीर्ष नेता हैं, क्या उन लोगों का कोई योजना है मुख्यमंत्री से आज मुलाकात की कोई योजना है, कुछ ऐसा चल रहा है? अब इसकी जानकारी हमको नहीं है, मुख्यमंत्री जी से मिलने का है या नहीं है वो मुख्यमंत्री जी के सचिवालय से आप संपर्क कीजिए, वहाँ से पता। क्या सर, आप मानने कि आरसीपी सिंह बाहर जाकर के काम कराने का पार्टी? अरे भैया, आप सब स्थिति आप लोगों के सामने है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस कार्यक्रम के बारे में कहा वह भी आपके सामने है, अब इससे तो आप लोग अर्थ निकाल सकते हैं। चलिए हो गया, अरे हो गया भाई, अब कितनी अनुशासनहीनता बर्दाश्त करेगी जेडीयू? अरे भाई, किसी भी पार्टी में अनुशासनहीनता नहीं बर्दाश्त की जाती है किसी भी दल में। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओ जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।